हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मी एंड माय पैक। आज हम आपके सामने सोबो का टॉप फिल्टर का अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि उसको आपके एक्वेरियम में कैसे सेट करना है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि उसमें एसेंशियल्स जो हैं उसमें क्या क्या लगते हैं, लाइक स्पॉन्जेस हैं, बायोलॉजिकल मीडियाज हैं, वो क्या है उसके बारे में भी बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने जो मेरे लास्ट वीडियो पे इतना सपोर्ट दिखाया, लाइक्स किए, कमेंट्स किए, और अगर आपको ये वीडियो भी उतना ही अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो गाइस, ये है मेरा टैंक जो कि अभी काफ़ी गंदा दिख रहा है, काफ़ी पेले येलो हो चुका है, और ये है हमारा पुराना फिल्टर। जैसे आप देख सकते हैं पूरा पानी काफ़ी येलो हो चुका है। मुझे इस फिल्टर की में हर वीक पानी चेंज करना पड़ रहा था, सो आई डिसाइडेड टू चेंज द फिल्टर। सो मैंने डिसाइड किया कि अब इस पर टॉप फिल्टर को इंस्टॉल किया जाए। सो मैं आपको बताता हूँ, ये है हमारा सोबो का फिल्टर। हाँ, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि सोबो का जो ये फ़िल्टर है उसके साथ स्पॉन्ज नहीं आता है, सो उसके लिए आपको स्पॉन्ज बाहर से लेना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली मैं पूरा का पूरा पानी इसका ड्रेन करूँगा, बाहर निकाल दूँगा पानी, और सारा एक्वास्केप जितना भी मैंने किया है उसको हटा दूँगा। एक्वास्केप जो आप हटाते हैं तो काफ़ी ध्यान से हटाइएगा जिससे फिशेस को हर्ट ना हो। वन बाय वन आप सारी चीज़ें निकालें। मैं टॉप फिल्टर लगाने वाला हूँ तो मैं पूरा का पूरा पानी ड्रेन करूँगा। यह है साइफन का पाइप, साइफन पाइप बोलते हैं इसको। इससे काफ़ी इजी हो जाता है आपका पानी को ड्रेन करना आपके एक्वेरियम से, और गंदगी भी नहीं करता है, सबसे बड़ी बात, बाहर नीचे फ्लोर पे आपका पानी भी नहीं गिरता है इससे, इट्स वेरी यूजफुल। सो ये है हमारा सोबो का पंप, इसको मैं अभी आपके सामने अनबॉक्स करूँगा और सारी चीज़ें इसमें क्या क्या है वो भी बताता हूँ आपको। सो ये है हमारा फिल्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ ये पंप जो इसका मेन प्रोडक्ट है, देख सकते हैं आप। ये इसका टॉप है और इसके अंदर ही आपको सारे इसके एसेंशियल्स मिल जाएंगे, मैं वन बाय वन वो भी दिखाता हूँ। जैसे ये हैं इसमें कुछ इसके पार्ट्स, जल्दी खुल जा। सो ये रहे उसके कुछ पार्ट्स। ये एक पाइप आता है जो एक एंड इसका टॉप फिल्टर पे रहता है और एक इसका एंड इस पंप पे रहता है। ये है एक्सटर्नल पाइप, बाहर रहता है, और ये नेट है जो आपके स्पॉन्ज के ऊपर रहेगा, और ये है कुछ यूज़र मैनुअल्स, आप पढ़ सकते हैं इसको। सो सबसे पहले मैं इसको सेट करता हूँ। ये पार्टीशन दिया गया है, इसको ऐसे आप लगा दें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले इसमें इंट्रोड्यूस करूँगा हमारा बायोलॉजिकल मीडिया, जिसके अंदर मेरे पास हैं ये लावा रॉक्स, कुछ बायरिंग्स और सिरामिक स्टोन्स। सो अभी हम स्पॉन्ज को इसके साइज के हिसाब से कट कर लेंगे। मैंने अपने बायोलॉजिकल मीडिया को उसमें पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया है। अभी इसके साइज के हिसाब से इसको कट कर लें आप। अभी क्योंकि इसमें अभी पानी लगाया नहीं है तो काफ़ी स्पॉन्जी रहेगा, आपको थोड़ा प्रेस करके इसको दबा के लगाना पड़ेगा। ऐसे मैं लगा रहा हूँ प्रेस करके। सो
ये जो पाइप है पानी को एक्वेरियम से इसके अंदर ट्रांसफ़र करता है। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो होल्स हैं, इसके थ्रू पानी इसमें जाता है, फिल्टर होता है और वापस पानी आपके एक्वेरियम में चला जाता है बायोलॉजिकल मीडिया के थ्रू होते हुए। ये एक एंड है पाइप का जो इसमें अटैच होता है और दूसरा एंड हमारे पंप में अटैच होगा। डैश आवाज कर रहा है, सॉरी फॉर दैट। ये इसको यहाँ लगा देंगे, ये बाहर रहेगा आपके एक्वेरियम से। सो इस तरह से पूरा सेटअप रेडी होगा इसका। सबसे पहले मैं इसमें इसका पंप इंस्टॉल करूँगा। अभी जो सैंड है उसको लेवल में ले आते हैं हम पर सबसे पहले, क्योंकि इस पर फिर हमें एक्वास्केप करना है स्टार्ट। एकदम आराम से करिएगा, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आप अपने हिसाब से जो आपको स्ट्रक्चर चाहिए उसके हिसाब से सोच के आप इसको असेंबल करिए। जी हमारे साथ बैठी हैं, मुझे असिस्ट कर रही हैं। हाय जी, शर्मा गई, चली गई। सो ये ग्लास का पीस है, इसको मैं ऊपर बाय द हेल्प ऑफ फेविक्विक इसको लगाऊंगा। ये फेविक्विक का यूज़ करूंगा मैं। ये हमारे फिल्टर का बेस बनेगा जिसके जिस पे फिल्टर मैं प्लेस करूंगा एक्वेरियम के ऊपर। आराम से आप उसको लगाएं। सो हमारे फिल्टर प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया है। ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये पाइप के थ्रू पानी अंदर जा रहा है, वहाँ से फिर पानी नीचे जा रहा है। एक्वेरियम से पानी ऊपर आता है, फिल्टर के थ्रू जाता है नीचे। सो ये साइकिल होता रहता है पानी। अभी काफ़ी ज़्यादा फॉगी है, थोड़ी देर में ये पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम फिश को इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका टॉप अभी मैं इस पर लगा दूंगा, टॉप अभी ऊपर ही रहेगा क्योंकि अभी स्पॉन्ज अभी वेट नहीं हुआ है पूरा। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पानी क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। देखिए पहले का आपको मैंने जो दिखाया था फॉगी वाटर था, और अभी अब देखिए बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ये देखिए है कि नहीं। सो अब पानी पूरा क्लियर होने के बाद आप फिश को इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो वन बाय वन आप इसमें फिशेस को इंट्रोड्यूस करें। ध्यान रखिए जब भी आप पानी बदलते हैं फिशेस का, तो उसके एक दो घंटे बाद ही उसको खाना दिया जाए, एकदम से मत खाना दें उनको। एक्वेरियम में एक्लिमेटाइज होने दिया जाए, उसके बाद ही आप इसको खाना दिए। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको टॉप फिल्टर कैसे लगाना है वो बताया। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। पीस आउट।